नमस्कार। इस वेले गुरदासपुर तो वड्डी खबर आई है। किसानां ने प्रदर्शन करदिया होया अंडानी अंबानियां दे बन रहे गोदामां दा काम रुकवा दिता। जिक्र जो कि खेती कानूनां नूं लैके जिथे किसान अते किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार खिलाफ अंदोलन शुरू करके बैठिया हन, उत्थे ही इस अंदोलन नूं हुण नवां रूप मिलना शुरू हो गया है। किसानां द्वारा अंबानी अते अंडानियां दे चल रहे कम्मां नूं मौके ते पहुँच के रुकवाया जा रहा है। ताज़िया तस्वीरां हन गुरदासपुर के बटाला के नज़दीकी पिंड शीना रवाला दियां, जिथे अंडानी अंबानिया ग्रुप वालों जमीन खरीद के वड्डे वड्डे गोदाम बनाए जा रहे सन। मौके पर पहुँच के किसानों ने चल रहे काम को रुकवा दिता है। प्रदर्शन करदिया होया केंद्र सरकार अंबानी अंडानी ग्रुपा के खिलाफ जम के नारेबाजी की, चेतावनी दी कि जब तक खेती कानूनों रद्द नहीं करती केंद्र सरकार, उन्हां तक असी कोई भी काम नहीं चलन देवांगे। उत्थे इस मौके पर किसानों का कहना सी कि साढ़े किसान भाई भैन सर्दियों में घरों बेघर धरनों में दिल्ली में बैठे हैं, साडा कोई फैसला नहीं हो रहा। इधर इन्होंने अंबानी अंडानिया ने गोदामों का काम शुरू कर दिता है, जिसनों अं नहीं हो देवे, जिस कारण असी अज रोस प्रदर्शन किया है, ना ही कोई काम चलन देवे। देखो इंसाफ टीवी से ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट। असी उत्थे रह के आए दिल्ली, जो साडे जिहड़े भरा भैन उत्थे बहुत औखी जिंदगी जी रहे आ, पर उन्होंने हौसले बुलंद आ। तो असी सर जिन्ना चिर उत्थे साडा कोई फैसला नहीं हुंदा जथेबंदियां दा, तो असी यह सैलो वगैरह दूजे अडानी बानी प्लांट टावर दूजे तीजे असी पंजाब दे विच इंडिया विच नहीं चलन देवांगे। जी जमीना खरीदियां जा चुकियां ने, और प्लस ये जिहड़ा प्लांट आ तीन पिंडां दी पंचायत दे नाल बनदा पिया, और दो पिंडां दी पंचायतां ने इत्थे एन ओ सी दित्ती आ, और शीने पिंड दी पंचायत ने इत्थों दी एन ओ सी नहीं दित्ती हुई है। फिर भी इलीगल तरीके दे नाल इत्थे ये जिहड़ा अपना स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं। सरपंच साहब ने दस्या नॉलेज दी है इस बारे, और ये साडे नैतिक फर्ज बनते हैं जिहड़ा साडा संघर्ष चलता पिया इस सेंटर सरकार के विरुद्ध। और आने वाले समय के जिथे भी इदा के सीलो कोई लगे हुए हैं उन्हों का काम भी बंद करावे, जिहड़े लगते पे ने उन्होंने लगन ही नहीं देंगे, और जिथे भी इन्हों के बाकी कंपनियां है उन्हों का पूर्ण तौर पर बाइकाट करवावे, ये साडे नैतिक फर्ज बनते हैं। जे अज साडी किसानी के विरुद्ध बिल पास करके साडा गला घुट सकते हैं, साडे हक खो सकते हैं, तो असी इन्हों पंजाब च वड़न ही नहीं देंगे। जिहड़ी सरकार मोदी सरकार आ शुरू तो सानू धोखा दे रही आ, ये धोखे के नाल ये जमीन खरीदी है ना, इन्होंने सानू दस्या नहीं कि इतने ही की करना है। सानू बाद विच इत्थे पता लगा कि इन्होंने सिलो बना के आढ़तियां तो जो असी दाढ़तियां नूं दिंदे सां वो इन्होंने लैके वो खराब कर, सारा सिस्टम ही इन्होंने खराब करता। अगली रणनीति यह है कि ये जिहड़ा सिलो आ वो बंद रहेगा जब तक साडे किसान वीर दिल्ली संघर्ष में लगे आ, जो तक साडा फैसला नहीं, सानू मोदी सरकार साडे हकां दा फैसला नहीं दिंदी हुण तक ये काम बंद रहेगा। जो अं इन्हां ते दबाव बनावांगे ना त्यों त्यों हल निकलना संभव आ। जिस तरह अज अं सैलो प्लांट नूं बंद करन वास्ते आए हैं, कल घूमण कलां जियो का टावर बंद किया, अज कैले कलां जियो का टावर बंद किया, गालड़ियां तां अं शाम नूं बंद करन जा रहे हैं, इहनूं सैलो प्लांट नूं अज अं बंद करता, इहनूं बंद करवा के जमीना जिहड़ियां इत्थों तक अं संघर्ष नूं लैके जावांगे वी इह जमीना फिर जट्टां नूं वापस करावांगे, क्योंकि ये जिहड़ा बिल आ सरकार नूं वापस लैणा ही पैणा। उन्हां चिर जिहड़े साडे वीर बैठे ने जिद्दां अं लगातार उत्थे साथ दे रहे हैं, वारों वारी जा रहे हैं, कोई आ जाते कोई चले जाते, ये लगातार संघर्ष इस तरह जारी रहेगा, उन्होंने ये बिल वापस लेने ही पैणगे। तो जी एक बेसिकली साइलो प्लांट लगता पाया, तीन पिंडों की जमीन इन्होंने एक्वायर की है, गोदरपुरा चूड़ चाका शीना पंचायत का। ये प्लांट लगन के नाल अगर असी सब तो पहला गल करिए साडा जिहड़ा आढ़ती भाईचारा वो खत्म होने की कगार से आएगा, जदों डायरैक्ट इतने लोडिंग अनलोडिंग होनी शुरू होएगी तो आढ़ती समाज साडा जिहड़ा वो खत्म होने की कगार से आएगा। सैकेंडली टोटली मशीनीकरण, लेबर जिहड़ी आ वो इतने सिर्फ 8 के करीब जिहड़े मुलाजम भर्ती किए गए हैं। 2015 तो लैके टिल डेट इन्हों साडे वालों जिहड़े नोटिस जा चुके हैं कि विदाउट एन ओ सी तुसीं काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994। फिर भी काम जिहड़ा चल रहा, पहला तो जी पंचायत के उपर क्रिटिकल प्रैशर पिया, उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैशर पाया गया, साडे बी डी पी ओ साडे डी डी पी ओ साडे डी सी वालों बार बार ये गल कही गई कि इन्हों एन ओ सी प्रोवाइड करो। हूँ भी रीसेंट ये एप्लीकेशन डी सी दे के आया कि सानू शीना पंचायत के कोलों एन ओ सी प्रोवाइड करवाओ, तो जेकर असीं कहीए कि एन ओ सी तो बिना काम हो सकता तो फिर ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के कोल जाके क्यों डिमांड कर रहा कि सानू एन ओ सी प्रोवाइड करो। साडे वालों अजे तक एन ओ सी नहीं दी गई, पर फिर भी यह जिहड़ा काम आ इस कह सकते हैं कि जिहड़ी मैं 99% श्योर हाँ कि यह जिहड़ा प्लांट आ यह अडानी ग्रुप का, उन्होंने प्रैशर के नाल ही जिहड़ा इत्थे काम जिहड़ा चलता पिया, क्योंकि एन ओ सी नहीं मिली
असीं जी देखो बहुत ज़्यादा इतने रिक्वेस्टा पा चुके हैं, इन्हों भी नोटिस कट चुके हैं, डिपार्टमेंट भी नोटिस कट चुके हैं, पर कोई भी सुनवाई ना होने कारण हुण असीं हाई कोर्ट का रुख किया होया। तो देखो जो भी मानजोग हाई कोर्ट यदा फैसला देगी उहदे ते ही अगली कार्रवाई क्या करवा जी क्या पूछ रहे हैं मैनेजर मैनेजर साहब ये बता दीजिए किसकी गोडाउन है ये क्या ये एफ सी आई की गोडाउन है साहब मैंने बार बार कह दी एफ सी आई की ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिली हुई हम बना रहे हैं और उन्हें हैंड ओवर कर देंगे वो उनको जो करना करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया है एन सी एम एल को मिला है और आज ये जो किसान आए हैं क्या करने आए हैं यहाँ पे क्यों भाई साहब हम अब तो ये हमें मालूम नहीं है मैं तो दूसरे स्टेट से आया महाराष्ट्र से ट्रांसफर हो गया है नहीं अभी आप काम बंद कर दिया आपने काम बंद हो कब तक बंद रहेगा ये मुझे मालूम किसके कहने पे काम बंद हाँ जी किसके कहने पे हमें ये मालूम नहीं हमें तो साहब पुलिस साहब ने बताया हमने कर दी उसके बाद काम नहीं अभी चल अभी काम नहीं चल रहा